इस बार लगातार रह रहा है, अब लोगों के मन में आप बस गए लगता है, आपको हमेशा आशीर्वाद यहाँ से मिल रहा है। देखिए, जनता के लिए अगर आप उसके सुख दुख में खड़ा रहिएगा, सेवा भाव से काम कीजिएगा और काम को विकास को ही अपना आधार बनाइएगा, तो निश्चित रूप से जनता आपके साथ पारिवारिक भाव से जुड़ जाती है और उसी का आशीर्वाद मिलता है। अब लोग नितिन नवीन को कुछ बड़े रोल में भी देखना चाहेंगे। जनता का आशीर्वाद मिला है मुझे, बस जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे नेतृत्व और ने हम पर विश्वास व्यक्त किया है, इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसके बारे में क्या कहेंगे? उन दिग्विजय जी तो मुरारी लाल का सपना देखते हैं और नटवर लाल के भाई हैं। ऐसा नहीं है, मेरा जो बिहार का युवा महिलाएं और पूरा बिहार की जनता ने हमें मैंडेट दिया है और एक अच्छा मैंडेट दिया है और हम लोग की सरकार बहुमत से बन रही है। सर, लेकिन कभी बिहार के जो जनता थे वो काफ़ी नाराज चल रहे थे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार से, क्या फिर से मुख्यमंत्री उन्हीं को बनाया जाएगा आपके तरफ से, क्या कुछ ओपिनियन? देखिए, इसमें तो हम लोग के हाई कमांड जो है ना वो फैसला करेंगे, उनका क्या रोल है। ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी अपने बात की पक्की है, नीतीश जी के चेहरे पर हम लोग वोट मांगा है। लेकिन अचानक से दिग्विजय सिंह का ट्वीट आना और तेजस्वी यादव को आशीष देने की बात कह रहे हैं और एक अलायंस की बात कर रहे हैं, क्या लगता है कि नीतीश कुमार जी को ऑफर है उनके तरफ से? देखिए, कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है और वो विपक्ष एक अपना धोखा और ये जो माँ बेटी की सरकार है, कभी तो किसी को अपने पार्टी में उसने अध्यक्ष नहीं बनाया, तो ये धोखे की पार्टी है, पब्लिक को गुमराह कर रही है। देखो, हम भी रेस में थे, हालांकि वो रेस में कहाँ दूर तक नहीं थे, और दिग्विजय जी जो अभी ट्वीट कर रहे हैं, यही ट्वीट पहले क्यों नहीं किए थे? तो एक धोखा देना है जनता को। से छेड़छाड़ की बात की जा रही है और यहाँ तक कि कोर्ट जाने की भी बात हो रही है, क्या कहेंगे? वो विपक्ष का काम है, नहीं जीतने के बाद वगैरह वगैरह आरोप लगाना, अगर वो जीत जाते तो ईवीएम सब सही होती, अब अगर हम जीत गए तो ईवीएम खराब है। लेकिन अभी भी सर सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, सर बड़ी पार्टी उभर के आई है? देखिए, उभर के नहीं आई है, उभर के मेरी पार्टी एनडीए का जो गठबंधन है यही आया है। अलायंस की मैं बात नहीं कर रहा, पार्टिकुलर पार्टी की बात कर रहा हूँ। देखिए, कांग्रेस अभी भी जो ट्वीट कर रही है गुमराह कर रही है तेजस्वी को, ऐसा नहीं है, कांग्रेस चाहती ही नहीं है, कांग्रेस को तो बहुमत ही नहीं आया, वो तो 12 या 13 सीट पर सिमट के रह गए, तो डुबाने वाले तो ही हैं, वो क्या अलायंस की बात करेगी? जो डुबा दिया तेजस्वी यादव को वो अलायंस की बात करेगी? 19 लाख रोजगार की बात कर रहे थे सर, क्या कहेंगे उसके बारे में? अब तो आपकी सरकार आ गई। बिल्कुल, पीएम मोदी जो कहते हैं सो करते हैं, आप भी देख रहे हैं और आप चैनल पे चला रहे हैं। अयोध्या का माँ हो, चाहे सीए का मामला हो, चाहे 317 का मामला हो, पूरा भारत देख रहा है। उन्होंने जो संकल्प लिया, संकल्प पूरा किया और आज भी करते हैं। बिहार की योजना देखे, पूरे विश्व का योजना देखिए, भारत का योजना देखे, जहाँ दुनिया में जाना मान सम्मान मिल रहा है, तो प्रत्येक के लिए परमाणु ज्योत नहीं है, उन्होंने घोषणा भी कर दिया था और आज भी उस स्तर पर कार्य हो रही है। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, सुशील मोदी जी का जो संगठन है, पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का रुझान, जनता का रुझान देखता है और विकास के नेतृत्व विकास का ही, न्याय के साथ विकास है और सुशासन की सरकार है हमारी और लंबे समय से मेरी सरकार में आ रही है। एनडीए में हमारा साथ तो बहुत पहले से, वाजपेयी जी के टाइम से चलता आ रहा, तो उसको तो आप मानना ही पड़ेगा और इसके आगे आप जो मतलब चाहते हैं पूछना पूछ सकते हैं। लोजपा यहाँ सबसे अभी कमजोर पार्टी साबित होकर आई है और कहीं ना कहीं वोट कटवा का रोल उन्होंने किया है, क्या कहेंगे? कहीं आप ही का फेंका हुआ पासा तो नहीं था? नहीं नहीं, हम लोग के मानिए अमित शाह जी ने साफ साफ कह दिया कि चिराग पासवान जो भी है वो हम लोग को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग अपने मैंडेट पर आए हैं, विकास पर आए हैं, महिला की सुरक्षा जो सबसे पहले थी, शराबबंदी, इस सब के पर भारतीय जनता पार्टी या उसके अलायंस को वोट मिला है। लेकिन अगर सुबह के हम रुझान की बात कर ले तो शुरू में जो है यूपीए आगे चल रहा था, महागठबंधन आगे चल रहा था, फिर आगे पीछे जो जो इस तरह का जो रिजल्ट आ रहा है, तो उसके बाद अंततः आपकी विजय हुई है, तो एक बार बिहार की जनता सब क्या कहेंगे? देखिए, बिहार की जनता को हम बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद करता हूँ जो हमें वोट दिए, महिलाओं का वोट पड़ा, युवा का वोट पड़ा और आगे पीछे जो है तो आप लोग का एग्जिट पोल तो हम लोग पहले भी देखे हैं सर, ऐसा बात नहीं कि इसी बार, अटल जी में भी आप लोग बहुत बढ़ा के दिए थे फीलिंग गुड का, तो ऐसा नहीं है, जनता जो सोचती है जनता जनार्दन है, और युवा आपकी 10 लाख नौकरी में भटका नहीं, 19 लाख रोजगार को पसंद किया, तो क्या लगता है 19 लाख की रोजगार की जो बात हो रही थी सर, आप नहीं कुछ बोलना चाहेंगे? 19 लाख की रोजगार की बात हो रही थी, आपकी सरकार बहुमत में आई, क्या कहेंगे? जी हाँ, एकदम एकदम होगी, अभी तो बहुमत में आई है,
एकदम होगी, बिल्कुल पूर्ण विश्वास है जी। सर फिर से बिहार में जो है आपकी बहुमत आई है, एनडीए की जीत हुई है, लेकिन सुबह सुबह ट्वीट आया है सर दिग्विजय सिंह के द्वारा कि नीतीश कुमार को आशीष देना चाहिए, आशीष देने की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव को, तो क्या लगता है सर ये ऑफर है? क्या चीज़ का ऑफर? जिसको जनता नकार चुकी है फिर क्या ऑफर? वो एक कटसी में शुभकामना हर लोग एक दूसरे को देता है, जीत पर हर लोग बधाई देता है, वही बधाई दिए हैं। लेकिन सर जदयू की जो सीट की अगर हम बात कर ले तो बहुत कम आया सर, आपकी सीट आई है और उसके बाद सबसे बड़ी पार्टी उभर कर राष्ट्रीय जनता दल आई है सर, क्या कुछ वजह है सर कि जदयू की इस तरह से रवैया रहा? आपकी एनडीए अलायंस की बात मैं कर रहा हूँ। देखिए ये जदयू चुनाव नहीं लड़ा था और भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ा था, ये चुनाव एनडीए लड़ी थी जिसमें चार दल हैं, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हम और वीआईपी, ये चारों दल की सामूहिक जीत है और सामूहिक सरकार बनेगी। सर 10 लाख की नौकरी पे 19 लाख की जो रोजगार है वो भारी पड़ा सर, तो अब क्या कहेंगे आप, 19 लाख रोजगार दे पाएंगे? हम जनता से जो वादा किया हूँ, जिसका मैं शिलान्यास करता हूँ, उसका उद्घाटन भी करता हूँ। नरेंद्र मोदी जी जिस चीज़ का शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं। हम जिस रोजगार का नाम लिया हूँ कि 19 लाख रोजगार देंगे, वो 19 लाख रोजगार का शिलान्यास भी बिहार में सरकार करेगी और उद्घाटन भी बिहार के जनता करेंगे। इसलिए इसके लिए आप चिंता मुक्त रहिए, बिहार में सभी को रोजगार का अवसर 19 लाख जो हम कहे हैं उसके लिए हम उसकी व्यवस्था करेंगे और हम उसके लिए कटिबद्ध हैं। फिर से बिहार में बाहर हुआ नीतीश कुमार का, फिर से जो है बिहार के मुखिया अपनी कमान लेने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री पद की दावेदारी जो हुई थी उनकी और बिल्कुल वो उन पर खड़े उतरे हैं और फिर से बिहार जो है उनके लिए जो इंतजार कर रहा है सर, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, बिहार की जनता ने विकास पुरुष को मैंडेट दिया है, यहाँ पर जो हो रहे विकास है उसका मैंडेट दिया है, करप्शन कॉमनलिज्म से कंप्रोमाइज नहीं करने वाले नेता को विजयी किया है, डबल इंजन की सरकार को विजयी किया है और ख़ास तौर से जो युवा लोग हैं उनके लिए जो सुनहरा अवसर है। मैंने नीतीश कुमार जी के लिए कविता लिखा था जब नेहा राठौर जी ने बिहार के बारे में बहुत अपशब्द किया, ख़ास तौर से महिलाओं को भी उन्होंने गाली दिया कि कोई ठेकेदार जो है वो महिलाओं को शरीर पे हाथ डाल देता है, तो मैं ये सब सुन के मुझे अच्छा नहीं लगा था, तो मैंने लिखा था कि आपने एक कविता लिखा है इस पे। जी क्या है कविता, किस तरह से थोड़ा सा बताइए लोगों को? बिल्कुल, ये कविता है बिहार के विकास के बारे में, 2004 टू 2020 है उससे रिलेटेड जो परिवर्तन आया उसी से रिलेटेड। मतलब आप अपने सरकार की बात कर रहे हैं 2004 से 2020 में जो आप, हाँ आप, आपकी जो बिहार में जो एनडीए की सरकार थी उसकी बात आप कर रहे हैं, 2004 से 2020 तक की बात कर रहे हैं, जो आपके शासन कर रहा है एनडीए का शासन कर रहा है उसकी बात आप कर रहे हैं, कविता में आपने वही दर्शाया है, थोड़ा सा बताइए सर लोगों को। मैंने लिखा है कि जब से अइले चाचा तब से बिहार के बदल गइल ढांचा, गली गली दौड़े लागल गाड़ी आरो घोड़ा बा, मुनिया बिटिया ड्रेस पहन के साइकिल के दौड़ात बा, स्कूल पढ़ के नानियों के यहाँ उहे साइकिल से घूमे जात बा, दीदी तू पूछला बिहार में काबा, दीदी मौसी के अधिकार मिलल, गाँवे गाँवे लड़े लागलन मुखिया सरपंच के चुनाव बा, ऐसन स्थिति अइले कि ज़्यादातर गाँव में महिला के सरकार बा, महिला सशक्तिकरण बा, दीदी तू पूछला बिहार में काबा, लाखों लोगों के नौकरी भइल, शिक्षा जीविका आंगनवाड़ी नर्स आरो पुलिस भइल, गांव गांव के मुनिया बिटिया के आरक्षण मिलल सरकार से दरोगा पुलिस के नौकरी लेके प्रशासन चलावे लगले बिहार में, नियत बिल्कुल साफ बा, इरादा नेक बा, बिहार के ऊंचाई पर पहुंचावे वाला सरकार बा, दीदी तू पूछला बिहार में काबा, बिहार में सुपर 30 बा, युवा लोग मेहनती बा, नल बा, जल बा, सड़क बा, बिजली बा, किसान क्रेडिट कार्ड बा, हेल्थ कार्ड, स्टूडेंट कार्ड और स्मार्ट कार्ड बा, दीदी तू पूछला बिहार में काबा, इंडो इजराइल प्रोजेक्ट बा, पूसा एग्रीकल्चर बा, मिथिला डेयरी जैसन बड़का प्रोजेक्ट बा, नालंदा विश्वविद्यालय बा, बापू सभागार बा, राजगीर बा, गया बा, नालंदा बा, वैशाली बा, चंपारण बा, जेकरा देखे खातिर पूरा विश्व से लोग बा आवत बा, क्या अमीरी क्या गरीबी सबको पढ़ने लिखने घूमने खाने का अधिकार बा, दीदी तू पूछला बिहार में काबा। मैंने लिखा था कि मधुबन में ई बा,
इसका आप बखान कर रहे हैं, बिहार में जो काबा का जो सवाल किया गया था इसको लेकर इन्होंने कविता तैयार किया है और बिहार में क्या क्या है वो बता रहे हैं। फिर से इनके कविता भी पूरी नहीं हुई है, मैं फिर से इनके पास चलूंगा और कविता को जारी रखूंगा। जी जी जी। मधुबनी के पेंटिंग पूरा विश्व में मशहूर बा, सामाजिक सद्भाव बा, सर्वधर्म संभाव बा। जब जब मनैली बिहार दिवस हम मुंबई जैसन शहर में, पूरा देश समझ गई बिहारी स्वाभिमानी बा। गांव, पंचायत, प्रखंड, जिला, राज, देश में क्या हुआ सब कुछ जाने खातिर सूचना के अधिकार बा। दीदी तू पूछ ल बिहार में का बा, आवे वाला समैया बिहार के उज्जवल भविष्य बा। कारण इंजीनियर चाचा के जनता जनार्दन के फिर से मिले के आशीर्वाद मिले के आसार बा। ये मैंने पहले लिखा था तो अब तो आशीर्वाद मिल चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो, से फिर से बिहार की जनता तो, ने चुना है ये। और मैंने नीतीश जी का जो प्रोजेक्ट है, मैं कुछ प्रोजेक्ट का ही नाम जानता हूँ चूँकि मैं तो सरकारी आदमी हूँ नहीं। NTPC बा, रिफाइनरी बा, पूरे देश में दूध उत्पादन में बिहार के बढ़िया स्थान बा। दीदी तू पूछ ल बिहार में का बा, हमरा जैसन लाखों युवा, मैं अपना रोजगार करता हूँ, हमरा जैसन लाखों युवा करता स्वरोजगार बा। दीदी तू पूछ ल बिहार में का बा। थैंक यू। सोच ये अंतिम में मैंने लिखा है कि बिहार में स्मार्ट गांव बा, हाईवे बा, हाईवे बा, कोना कोना से 6 घंटा में पटना पहुंचे वाला रास्ता बा। दीदी तू पूछ ल बिहार में का बा। मैंने उन्होंने जब कुछ शब्द अभ्रंश बातें जब बोलने लगे कि ठेकेदार एक मजदूर महिलाओं के कंधे पर हाथ रख देती है, तो नीतीश कुमार जी ने जो किया है बिहार में, आप देखिए कि बिहार हमारा बहुत अमीर मुल्क नहीं है, राज्य नहीं था, परंतु शराब बंद करके और महिलाओं को घर में सुरक्षित करने का जो नीतीश कुमार जी ने काम किया महिला सशक्तिकरण के लिए, और यही कारण है कि आज महिलाओं के ग्राफ के कारण जो साइलेंट वोटर है वह नीतीश कुमार को 5 वर्षों के लिए फिर से मैंडेट दिया है। और जो धर्म निरपेक्षता हमारे मुख्यमंत्री जी में जो बसा हुआ है कोटि कोटि, वही कारण है कि 5 वर्षों तक ईमानदारी से सरकार चलेगा और यह सरकार 5 वर्षों तक युवाओं को समर्पित होगा और 5 वर्षों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डबल इंजन की सरकार से जो मिलेगी उसके कारण यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा और यहाँ के युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यही इस सरकार का विजन है। थैंक यू सो मच। अमित कुमार का नाम है, मैं सरारंजन विधानसभा के बरौना गाँव से आता हूँ, अभी मैं जिला कार्यालय में यहाँ पे JDU कार्यालय पटना में बना हुआ हूँ। थैंक यू सो मच। बिहार में बाहर बा, फिर से नीतीश कुमार बा। जी हाँ, बिहार की जनता ने फिर से एक बार NDA की सरकार बनाई है और NDA की अगुवाई आपको पता है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में की जा रही है। तो इस वक्त हम JDU के प्रदेश कार्यालय में हो, जहाँ पे JDU के समर्थक है, उनके नेता भी है। सर क्या कहिएगा, सर आपकी जीत हुई है, फिर से NDA की सरकार बन रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सर आपकी सीट जो है कम आई है। देखिए, कुछ लोग ऐसे दल थे जो हमारे साथ रहते हुए भर में RJD के बी टीम के रूप में काम करने का काम किया, और ऐसी परिस्थिति में हम लोग का कुछ सीट कम हुआ है, लेकिन हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त थे कि हम लोग सत्ता में आएंगे। बिहार की जनता हम लोग को चाहती है, नीतीश कुमार को चाहती है, और जो पिछले 15 सालों में जो विकास हुआ है उससे पूरी तरह से बिहार की जनता अवगत है। इसलिए सरकार तो नीतीश कुमार जी का ही बनना था, लेकिन बीच में कुछ कारणवश, जैसा कि हमने बताया कि वो पीठ में छुरा भोंकने जैसी बात की, समझ गए, साथ में रहकर भी उन्होंने केंद्र बात कर रहे सर, स्पष्ट कीजिए थोड़ा। जिसके वजह से सीट हमारी कम आई और जो NDA को कमजोर करने का कोशिश किया, हम उसी के बारे में बोल रहे हैं। आप उन्हीं के साथ हैं सर, उन्हीं के अलायंस में हैं आप और उन्हीं से आपकी सरकार बन रही है, तो उससे हमारा क्या नुकसान हुआ? उन्हीं का नुकसान हुआ ना, हमारा क्या नुकसान हुआ? सर उन्होंने तो अपनी सीट ले आए हैं, वो तो बढ़ोतरी पे है सर, आपकी सीट में कमी आई है सर। नहीं नहीं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जो हम लोगों को NDA को पहुँचाने का कोशिश किया है, उनको कहाँ, किस हाशिए पर हैं आज, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, उनको फिर से विचार करना होगा। तो सर कहीं ना कहीं प्रमोट किया जा रहा था और उन्हें वोट कटवा की में भी रखा गया था सर, कहीं ये भी कारण है क्या? प्रमोट तो तेजस्वी जी कर रहे थे, RJD कर रहा था, कांग्रेस कर रहा था,
और बीजेपी ने वोट कटवा कहने का सा वो अपने को हनुमान कर रहे थे, बीजेपी वोट कटवा कह रहा था, इसे समझ लीजिए। लेकिन लगातार जो है चिराग पासवान चुनाव के पहले कटाक्ष कर रहे थे कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ना हो, इस तरह की तमाम बयानबाजी हो रहे थे, और अभी उनका एक ही सीट पर खाता खुला है। सर क्या कहेगा कि अब वो जो बातें बोल रहे थे वो क्या चेहरा दिखाने लायक रहेंगे या कहीं अंडरग्राउंड रहेंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, राजनीति में चेहरा छुपाने और दिखाने वाली कोई बात नहीं होती है। अभी उनके पास समय है, अभी भी सुधर जाएं तो आगे उनके लिए सोचा जा सकता है, और एनडीए नेतृत्व जरूर विचार करेगी। लेकिन इस बार जो उन्होंने काम किया है वो बहुत ही निंदनीय है, और इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। अगर माननीय रामविलास जी होते तो निश्चित तौर पर हम लोग अभी 200 से 250 सीटों पर जीतते, और उन्हीं के नहीं रहने के कारण हम लोग को कुछ क्षति पहुंचाने का उन्होंने काम किया है, और इसका मुख्य श्रेय आरजेडी, कांग्रेस एंड महागठबंधन अलायंस को जाता है जिन्होंने इनको बढ़ाने का काम किया। लेकिन सर बड़ी पार्टी उभर कर आ रही है सर, राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल बड़ी पार्टी तो उभर के आई है, लेकिन मैंडेट तो मेरे साथ है। जनता तो हम लोग को, हम लोग जो भी चार पार्टियां जो मिल के चुनाव लड़े थे वो अलायंस है, प्री पोल अलायंस है, इसलिए हम लोग का तो क्या लगता है सर, कहीं ना कहीं लोग बिहार की जनता नीतीश कुमार से खफा थे, लगातार उनका विरोध भी कर रहे थे सर, यह भी एक बड़ा कारण रहा है क्या सर आपकी सीट कम आने का? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, विरोध करने वाली कोई बात ही नहीं थी। ऐसा कोई बात भाया जो बताइए जिसके कारण विरोध उनका हो सके? लेकिन जितनी रैलियां हैं वहाँ पे जनता लोग, उनके समर्थक बहुत से लोग नहीं कर रहे थे उनका समर्थन तो, और लगातार मुर्दाबाद के भी नारे लगाए गए थे, आपको तो सब कुछ से अवगत है। रैलियों में क्या होता है कि कहीं भी विपक्षी दल के भी लोग घुस जाते हैं, ठीक है ना, उन लोग भी अपना मैंने दिखाने के लिए या नेता के प्रति चेहरा चमकाने के लिए ऐसा काम करने। चलिए सर, फिर भी आपको बहुत मुबारक है, आपकी सरकार फिर से आ रही है, क्या कहेंगे सर बिहार की जनता को? बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। तो ये थे हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के नेता, जो जिस तरह से उन्होंने साफ तरह से कहा कि नीतीश कुमार की अगुवाई में जो टीम काम कर रही थी वो बिल्कुल अच्छी कर रही थी, फिर से एक बार बिहार के मुखिया नीतीश कुमार बिहार की कमान लेने के लिए तैयार हैं, और बहुत जल्द फिर से बिहार की जनता उन्हें उनके मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को वो देखेंगे।